सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 12, तो मैं आई हूँ यहाँ पे ऊपर अपनी छत पे और यहाँ से हो रही है वीडियो की स्टार्टिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ना वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना सभी लोग। और वीडियो को ना बहुत ही कम लोग लाइक करते हैं, तो जो लोग लाइक कमेंट करते हैं और वीडियो को देखते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लाइक नहीं करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो सकता है उनको वीडियो अच्छी नहीं लगती होगी तब वो लाइक नहीं करते होंगे। तो वैसे कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं यहाँ ना छत पर आई हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए उड़द दाल ली हुई है, तो इसको मैं पहले तो साफ करूँगी और इसको डालूंगी मैं भीगने के लिए, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो आजकल जो है ना हम उड़द दाल की और जो पेठा होता है सफ़ेद पेठा, तो उसकी हम बढ़िया बनाते हैं और इस महीने में डालते हैं, फिर अगले महीने में नहीं डालते, मतलब अगला महीना जब शुरू हो जाएगा ना हिंदी महीना। अभी तो जो महीना है ना तो इसका नाम मांगसरिस है, और अगला महीना जो है फिर पौष महीना शुरू होगा, तो उससे पहले बढ़िया डालनी होती है। तो आज मैं बढ़िया तो नहीं डालूंगी, पर मुझे ये जो उड़द दाल है ना हमारी, इसको मुझे अच्छे से साफ करके भीगने के लिए डालना है, क्योंकि इनको ना 2-3 दिन लग जाएंगे भीगने को। ये साबुत उड़द है और ये डिप्पू के उड़द है वैसे भी। तो ये जो मैंने उड़द दाल ली है ना, इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर। तो ये 5 लीटर का कुकर है और ये 1 किलो दाल है, तो इसको मैं इस कुकर में डाल लूँगी पहले तो, और इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ मैं। मैंने हमाम में पानी गर्म किया है ना, और बाल्टी में निकाल करके रखा है पहले से ही। तो कुकर को मुझे ना भरी कर देना है, क्योंकि फिर ये फूलेंगी ना तो कुकर भी भरी हो जाएगा जब ये दाल अच्छे से फूल जाएगी। तो ये देखिए कुकर को मैंने पानी से भरी कर लिया है, और अब इसमें मैं ना ये ढक्कन लगा लूँगी, ये देखिए। और मुझे इसको ना ढक्कन लगा करके चूल्हे पे नहीं रखना है, इसको बाहर ही रखना है। तो ढक्कन इसलिए लगा रही हूँ कि इसमें ना कुछ गिर जाएगा, मतलब कचरा वगैरह कुछ भी गिर जाएगा इसमें, तो इसलिए मैंने इसको सेफ्टी के लिए ढक्कन लगा करके, और इसको यहीं पे ही रखना है बाहरी धूप में आंगन में इसको, और 2-3 दिन इसको मतलब ऐसे ही रखा करेंगे बाहर धूप में, और शाम को तो इसको अंदर रख लेंगे, क्योंकि रात को ठंड होती है ना, तो फिर ये दाल जो है ये ख़राब हो जाएगी ना, तो ये भीगेगी ना कुछ ना काम, पर दिन में रखेंगे बाहर और रात में अंदर रख लेंगे। तो चलिए इसको तो छोड़ देते हैं यहाँ पे। और अब मुझे ना कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि आज धूप लगी है बढ़िया से, रोज़ रोज़ ही लगती है आज, क्या तो आज बार है मतलब बढ़िया, तो कपड़े धोने के लिए आज शुक्रवार है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज कपड़े भी धो लेती हूँ, और साथ में भी मुझे पशुओं को भी नहलाना है, तो पशु अभी घास खा रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा कपड़े का कर लेती हूँ। तो कपड़े तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, अब मैं मशीन को कर लूंगी ऑन। तो कपड़े धो करके मैंने सुखाने को रख लिए हैं, और आज मैंने कपड़े ना मशीन में ही धोए हैं ज्यादातर, वैसे तो मैं हाथ से ही धोती थी, लेकिन अब मुझे मशीन से कपड़े धोने की आदत हो गई है। पहले आदत नहीं थी ना मुझे, तो अभी 2 साल मेरे ख्याल 2-3 साल ही हुए हैं हमें वॉशिंग मशीन लिए हुए, तो तब मुझे आदत नहीं थी कि सारी ज़िंदगी हाथ से ही धोए कपड़े, तो फिर मशीन में कपड़े धोना थोड़ा सा अटपटा लगता था। तो अब मैंने ना मशीन में धोए तो थोड़ा सा जल्दी भी हो गया, और ये फ़ायदा होता है मशीन में कपड़े धोने का कि जल्दी से धोए और जल्दी से सूख भी जाते हैं, नहीं तो हाथ से धोएंगे तो फिर सारा सारा दिन भर तो सूखते ही नहीं है कपड़े। तो अब बारी आती है इनको नहलाने की, और ये ना यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, और छाया आ गई है यहाँ पे इनको, और आज इनको ना हरदीप ने भी थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया था पेड़ पर से मतलब, तो अभी इनको ना भी खाने को रह गया है थोड़ा सा, तो मैंने डाला नहीं इनको पूरा, मैंने बोला कि इनको पहले नहा लूँगी तभी इनको डालूँगी, और अभी इनको पता नहीं है कि हमें नहाना भी है, ये बैठे हैं आराम से, आराम कर रहे हैं, तो जल्दी से इनको नहला लेते हैं, फिर धूप में बांध देंगे तो फिर ये आराम करेंगे। तो अभी बज रहे हैं 2:15, और मैंने पशुओं को नहला करके इनको धूप में बांध लिया है, और जो थोड़ा सा भी उल बचा था ना वो भी इनको डाल लिया है वहीं पे पीछे धूप में ही, और पानी भी पिला लिया है इनको, चंदू को प्यास लगी थी जब मैं इनको नहला रही थी ना, तो ये पानी मांग रहा था बाल्टी में, तो फिर मैंने वो पानी नहीं इसको पिलाया, मैंने बोला कि ये नहाने के लिए लाई थी मैं, मतलब गुनगुना किया था वो, तो तब फिर अभी पिलाया मैंने उसको पानी। तो अब हमें पहले तो लंच करना है, फिर उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह हैं धोने को, और अभी धूप भी लगी है बढ़िया ना, तो फिर लगे हाथ बर्तन भी धो ही लूँगी जल्दी से, और बर्तनों और कपड़ों का काम आजकल सर्दियों में
दिन में जब धूप लगी होती है ना तो तभी अच्छा लगता है, और ठंड भी लगती है बाहर धूप में काम करने से। और ऐसे तो धूप सेकने को भी मौका नहीं मिलता है, तो चलो काम के बहाने हम धूप ही सेक लेते हैं बाहर। ज्यादा हो गया होगा तक। तो बर्तन वगैरह सारे धो करके मैंने रख लिए हैं, और जितने को मैंने बर्तन धोए ना उतने को यहाँ से चली गई धूप। वैसे 2:45 बजे को चली जाती है यहाँ पे हमारे घर में से। ये पीछे यहाँ पे जो हमारा आंगन है, बाकी घर है ना, और ऊपर को हमारे घर की जो छत है ना, तो वहाँ पे भी धूप चली गई है, बिल्कुल धूप नहीं है वहाँ पे भी। बाकी पीछे को जहाँ पे हमारे पशु बंदे हैं ना उस तरफ को, वहाँ पे अभी थोड़ी सी धूप, लेकिन वो भी अभी 10 मिनट के लिए ही है, तो 10 मिनट में सारे के सारे यहाँ से धूप चली जाएगी। तो अभी अगर हमें भी धूप सेकनी हो ना तो यहाँ आना पड़ता है, हमें इनके पीछे बैठना होता है धूप में, क्योंकि धूप अभी यहीं पर ही होती है। पर थोड़ी देर के लिए है ये भी यहाँ पे, पर अभी धूप सेकने को टाइम नहीं है। अभी मुझे इनको ना घास काटना है थोड़ा सा, काटने तो 4 पुल्ले ही है, पर हो गए तो वो भी काट करके ही ना, अपने आप तो वो भी नहीं कटेगा। तो अब मैं चल पड़ी हूँ घास काटने को, और ये रही मेरी दराटी। इसको भी बेचारी को ना आराम नहीं मिलता है मेरी तरह, मुझे तो मिलता नहीं है पर इसको भी नहीं मिलता है। और घास मुझे ना यहाँ पे नज़दीक में ही काटना है, पीछे को घर हमारा यहीं पे है, पास में थोड़ा थोड़ा सा दिख भी रहा है, और घर के नीचे है हमारा यहाँ पे घास, और 2-4 खेत भी है नीचे को ही, ये देखिए जो दिख रहे हैं ना, तो ये घर के नीचे वाले खेत हैं हमारे। और पूरे खेत ना खाली खाली है इस बार, क्योंकि हमने गेहूँ नहीं बीजी है, तो जब बारिश हुई थी तब हमने बीजी नहीं थी, और अब तो बारिश पता नहीं कब होगी, और अब तो गेहूँ बीजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तो खुद से मेहनत तो होती भी नहीं है, फिर दूसरा ना ये जानवर भी नहीं छोड़ते हैं, तो इस बार तो मुश्किल से ही गेहूँ की बिजाई करेंगे हम। और यहाँ पे ये रहा हमारा घास पीछे को, ये देखिए थोड़ा सा छोड़ा है यहाँ पे, ये ना 3-4 पुल्ले काटते हैं यहाँ से हम ना, तो तब नहीं अभी ख़त्म हुआ है, अगर ज़्यादा काटना होता तब तो यहाँ पे ना ये 2 दिनों में ही ख़त्म हो जाना था। ये हो गया मेरा 1 पुल्ला, और 4 काटने हैं मुझे इतने इतने। आया बैठ लिया, सुख लग रहा, तो पानी पिया न लिया रे भेज पर जो पर चा बेटे पिया पर पानी तो भेज जा आई से हम भी। तो अभी हमारा घास भी हो गया है, और अब मुझे घास का गट्ठर बांधना है। हाँ हाँ वीडियो बना रही हूँ, आ जाओ आप भी नीचे, आपकी वीडियो बनाऊं, आपकी वीडियो बनाऊं, आ जाओ नीचे। तो ये रहा घास का गट्ठर, और अब इसको ले जाने के लिए आएगा हरदीप। मैं तो चल पड़ी हूँ घर को खाली। हेलो, मेरा नाम है हर्षाल, मैं 2nd A क्लास में पढ़ती हूँ। तो ये है हर्षाली, और ये आई है यहाँ पे पानी पीने को। तो ये घर जा रही थी अपने ना, हमारे घर के पीछे सड़क है रास्ता, तो उस सड़क से जाते हैं आगे, इनका गांव घर है आगे, तो इसको लगी थी प्यास, इसने पानी पिया भी। खुश हो गई हर्षाली अब, है ना। और हर्षाली ने बोला कि मेरी वीडियो बनानी है, तो तब बैठी है हर्षाली यहाँ पे। तो बाय कर दो हर्षाली। बाय। तो अभी बज रहे हैं 3:30, और मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।